नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं समाई संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं के फर्स्ट गली नंबर 18 में, मुन्ना चौक के बिल्कुल करीब में ही है ये। और ये गली जो है अभी भी लगभग महीना डेढ़ महीना पहले बनी है और यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं जिनके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसा काम हुआ और वो कितने खुश हैं या किसी की कमी है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र शर्मा। अच्छा, कब से जा रहे हैं आप? आवाज़ हो गया 28 साल से ज़्यादा हो गए। 28 साल से ज़्यादा हो गए तो 28 सालों में आपने क्या क्या देखा इस संगम विहार में? अभी देखा, पहले सब ऐसे ही था। ऐसे जैसे कच्चा कच्चा था सारा, रोड कच्चे, गलियां कच्ची थी। दो महीने पहले से ये पक्की हो गई। तो यानी कि अगर इस दो महीने को अगर हम छोड़ दें तो उससे पिछले 27 सालों से आप ऐसे ही हैं, कीचड़ में और कीचड़ में। हाँ बिल्कुल, बरसात हो जा रहा है, इतना पानी में निकलो। सीसीटीवी कैमरा लग गया यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल लग गया, सामने लगे हुए हैं। तो आप और सरकारों में और इस सरकार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? महसूस झाड़ू की सरकार तो वैसे अच्छी है, काम करवा रही है। पहले कांग्रेस भी रह के गई है, बीजेपी भी रह के गई, काम नहीं हुए। काम नहीं हुआ। श्रीमान जी आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी जी। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 84 से रह रहे, जो 84 से दो साल पहले का। 84 से दो साल पहले? हाँ। यानी कि आपका 82 से हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल जी है ना। मुन्ना लाल जी, तो ये मुन्ना चौक आप ही के नाम से है क्या? नहीं, वो तो मुन्ना चौक तो यहाँ पर पांच मुन्ना है। अब कौन से मुन्ना को रखोगे हमें क्या मालूम है? अब कौन सा मुन्ना होगा हमें नहीं मालूम। चलिए मुन्ना लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से रह रहे हैं जी, तो क्या क्या देखा आपने संगम विहार में, क्या क्या तब्दीली आई है पहले से और अब से? इतना परेशान हो गया हूँ कि अब कह नहीं सकता हूँ मैं। मैंने नेता नगरी भी खूब देखा है, इलेक्शन में दौड़ते दौड़ते कहे नारे लगाते लगाते हाई इसके नारे लगाओ। अभी तक तो किसी नेता ने नहीं किया है कुछ। आज हमारे मोनिया जी ने जो की कर रहा है, जो हमारे बच्चों के लिए जो रोड पर घूम रहे हैं, आज उन मोनिया जी की बदौलत घूम रहे हैं। अच्छा, मोनिया जी की बदौलत। मैं मोनिया जी को बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अच्छा किया मोनिया जी ने, जो हमारे बच्चे आज रोड पर खड़े हुए हैं। नालियों में कहीं पैर रख रहे हैं, नई नालियों में कहीं क्या हो रहा है, न मैं ही बैठ पा रहा, न रिश्तेदार आ पा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में फ़र्क है? बहुत बहुत बड़ा फ़र्क कर दिया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा फर्क कर दिया। बहुत बड़ा है। सीसी कैमरा लगा दिए, गेट लगाने के लिए तैयार हो गए। तो अब उनसे हम कहे क्या सकते, क्या उम्मीद हो सकती है? अब तो है ही नहीं कुछ, सब कुछ कर दिया उन्होंने यार, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया तो आप क्या करने वाले हैं उनके लिए? वैसे मैं अब जी जान से उनका, जो हमारा साथ दे रहा है ना, जो हमारे बच्चों का साथ दे रहा है, तो मैं उनका साथ दूंगा। अच्छा। हाँ, हमारी ये नहीं है, हमारी गली देगी, हमारी गली भी उन्हीं के साथ देगी, मोनिया जी का। अब आखिरी अगर दो लफ्जों में कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक को? विधायक को अब हमने शब्द ही नहीं है, जो उन्होंने जो कुछ किया है तो अच्छा ही किया है। मतलब आप खुश हैं? बहुत खुश है। आप भी खुश हैं? बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है? नसरीन। आप ही बताइए कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तो हो गए 26 साल। हमें 8 साल हो गए। मैं भैया 18 साल। हमें तो यहाँ बहुत 20-25 साल हो गए। ये सड़कें कब पहली बार बनी थी? अब पहली बार बनी है, पहली बार इधर बनी है। ये पहली बार अभी बनी है संगम विहार में। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं बनी? नहीं बनी अभी तक तो, और किसी ने नहीं बनवाया था। किसने बनवाई है ये सड़कें? दिनेश मानिया ही ने बनवाया ये सब, केजरीवाल ने। आपको पता है किसने बनवाई है? केजरीवाल ने। अब विधायक नहीं बनवाए, केजरीवाल ने। अच्छा, विधायक केजरीवाल। तो देखिए ऐसा है कि घर की महिलाएं हैं उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो केजरीवाल है जिसके नाम पर काम हो रहा है। ये तो है कम से कम कि लोगों के दिलों में जो है उनके जहन में केजरीवाल बसे हुए। तो क्या नाम है आपका? फरहान अहमद। फरहान अहमद बाबू, इसमें ज्यादा तो नहीं लगी, क्या हुआ इसके अंदर, हुआ क्या है? यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई। अच्छा सॉरी, मैंने फिर वहीं हाथ रखा हुआ फिर। अच्छा, तो पढ़ाई करते हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? फोर्थ। आप इसी गली में रहते हैं? यस। अच्छा, तो साइकिल वगैरह चलाते हैं आप यहाँ पे? मुझको नहीं आती साइकिल, नहीं आती भैया को। अच्छा, तो पहले पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अब अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले यहाँ पे कच्चा रोड था, अब पक्का हो गया। अच्छा, तो पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा लग रहा है अब? अच्छा, किसने बनवाया बेटा ये सब? दिनेश मोनिया जी ने। दिनेश मोनिया जी ने? कौन है ये दिनेश मोनिया जी? विधायक। विधायक है? अरे कौन सी क्लास में तुम? फोर्थ। बड़ा सब कुछ जानते हो बेटा, तुम भी इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। खुशी कितनी है, कितनी खुशी है तुम्हें? तुम्हारे मोहल्ले में काम हो गया तो बहुत सारी खुशी है। बहुत सारी खुशी। कहाँ पे पढ़ते हो आप? फोर्थ क्लास में। कहाँ पे जाते हो? ये दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली? हाँ। तो स्कूल का नाम क्या है? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। अच्छा, नगर निगम दक्षिणी दिल्ली। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है बेटा, आपकी गली में काम हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब काम किसने करवाया है?
दिनेश मोनिया जी ने। दिनेश मोनिया जी ने कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ। क्या? थैंक यू जी। थैंक यू। क्या नाम बेटा तुम्हारा? वारिश। वारिश, तो कब साइकिल चलाना कब से सीखे तुम? अभी तीन एक महीना हुआ। एक महीने चला रहे हो? हाँ। तो उससे पहले? उससे पहले नहीं आती थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर गली में साइकिल चला रहे हो तो? हाँ। पहले सड़क तो थी नहीं? पहले नहीं चल, पहले थी नहीं मेरी साइकिल। अच्छा, तो अब आई सड़क बनने के बाद? हाँ। तो मजा आ रहा है? बहुत। तो ये सड़क किसने बनवाई? दिनेश मोनिया जी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अमित। अमित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ। सिक्स्थ क्लास में। तो ये साइकिल बहुत बड़ी वाली, छोटी साइकिल, ये बड़ी नहीं पड़ती तुम्हें? ना। नहीं। तो ये चलाने में मजा आता है? हाँ। कब से है साइकिल तुम्हारे पास? एक दो साल से। एक दो साल से। हाँ। सड़कें कब बनी आपकी? इसी महीने, अगले महीने बनी है। अभी लास्ट महीने बनी है। हाँ। तो पहले मजा आता था, अब मजा आ रहा है? अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। किसने बनाई है रोड वे? ये बनाई है दिनेश मोनिया ने। दिनेश मोनिया ने। कौन है ये दिनेश मोनिया? ये पता नहीं मुझे। आपके विधायक हैं? आपके क्षेत्र के मतलब? हाँ। तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे अगर रोडे बनवा दी तो उन्होंने? दिनेश मोनिया थैंक यू। दिनेश मोनिया थैंक यू। चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बड़ी खुशी है अपनी गली मोहल्ले बन जाना कि ठीक है सड़कें बन गई हैं, तो किसी को और कुछ जरूरत होगी नहीं होगी। इन बच्चों को उनके साइकिल चल रही है, वो दौड़ पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, इस चीज़ की उनको खुशी है और इस बात का वो थैंक यू बोल रहे हैं। बहरहाल आप देख रहे थे समय संवाद, मैं मोहम्मद मुशरत कैमरामैन आकाश जैन के साथ। We'll be right back.